चाहे हम कहीं भी रहें, दूर चले जाएं सात समुंदर पार, लेकिन घर का स्वाद कोई भूल ही नहीं सकता। वही स्वाद कल मेरी बेटी याद कर रही थी मिर्च के अचार का। तो मिर्च का अचार मम्मी वही खाना है जो हम यहाँ खाते थे। अब जब इतनी दूर अचार भेजनी है तो उस अचार में तेल तो डालना ही नहीं है। बिना तेल के लंबा टाइम चले ये अचार, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए पहले वो देखेंगे। एक और बात, मिर्ची लेते टाइम आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो मिर्ची है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए जिससे फीकी लगे, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं जो बहुत तीखी हो। मिर्ची हमेशा ताज़ी हो। कलर देखिए कितना बढ़िया पैरेट कलर है ना, बस इस कलर की मिर्ची होनी चाहिए। पता है मिर्ची ताजी है, इसकी पहचान कैसे होती है? उसकी जो डंठल है ना वो भी ताज़ा होना चाहिए। वो अच्छे से वॉश कर लिया था, अब उसे सूखे कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ जैसे कोई मिट्टी वगैरह ना हो। एक और बात, इसकी डंठल हमें ज़रूर काटनी चाहिए वरना मिर्च खराब हो जाती है। इसे आप किसी भी शेप में काट सकते हो। ऐसे पर्सनली अगर रोटी के साथ मिर्ची के अचार अच्छी लगे तो इस तरीके से छोटे छोटे पीस होने चाहिए। मिर्ची के अचार वैसे लगभग सभी को पसंद आती है, अलग अलग तरीके से हम बनाते रहते हैं। वैसे कई टाइप के हम अचारें डालते हैं, आपको पर्सनली कौन सी अचार पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब लेंगे एक साफ जार, खास तौर से बिल्कुल सूखा होना चाहिए। एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप मिर्ची काटें या तो ग्लव्स पहने, नहीं तो हाथ साफ जरूर कर लें वरना दिक्कत आ सकती है। हरी मिर्ची है, 250 ग्राम मिर्च थे तो हम इसमें नॉर्मल जो चम्मच होता है 2 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस। अभी हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें डालनी हैं। इसकी लिड लगाकर इस तरीके से शेक करना है जिससे इसका पानी निकल जाए। यही पानी इसको बचा के रखेगा लंबे टाइम तक, जब तक ये अचार ख़त्म ना हो। तो बिना तेल के इसी तरीके से बन सकती है। अब ये सिर्फ नमक वाली कैसे अच्छी लगेगी? बहुत सारे मसाले और भी डालने हैं लेकिन नेक्स्ट डे, अभी इसे 1 दिन के लिए सिर्फ रेस्ट देते हैं। ये वही मिर्ची है जिसे मैंने कल इसमें नमक और नींबू डाल के रख दिया था। अब ये बहुत बढ़िया से सॉफ्ट भी हो रही हैं, कलर भी थोड़ा चेंज हुआ है और इसमें थोड़ा पानी आ गया है। ये पानी हमारी मिर्च के अचार को प्रिजर्व करने में मदद करेगा। ये मिर्च वो है, इसमें भी मैंने नमक और नींबू ही डाला था लेकिन इसे मैंने 4 दिन पहले डाला था, तो 4 दिन में ये मिर्च बिल्कुल तैयार हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है, इनका कलर भी चेंज हो गया, खट्टी भी हो गई है। अगर आपको मसाले खाने का मन ना हो, तेल वगैरह कुछ डालने का मन ना हो, तो ये मिर्च भी बहुत टेस्टी लगती है। खाने के साथ सिर्फ नींबू मिर्च और नमक का टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर कभी आपको बनाने का मन हो तो ये बना के रख लीजिए, काफ़ी लंबी चलती है, ख़राब भी नहीं होती। ये अचार बनाना बहुत आसान है, ना तो तेल को जलाना है ना मसालों को पकाना है। पीली राई कभी भी मिर्च में ना डालें, इस वाली मिर्च में खास तौर से। इसके लिए हमें बारीक वाली चाहिए जो बनारसी राई होती है, लाल रंग की। ये मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं, 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ, इन दोनों को हम पीस लेते हैं। ये मसाले मैंने पीस लिए हैं, इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, बहुत थोड़ा सा हींग पाउडर, कलौंजी जिसे मैंगरोली सीड्स भी कहते हैं, इसमें डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बन गया मिर्च के अचार का मसाला। इसी अचार के अंदर इस मसाले को हम डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस हम और भी डाल देंगे। जितना आपको जल्दी खाना है इस अचार को उतना ही आप नींबू का रस ज़्यादा डाल दें। ये मिर्च का अचार बन चुका है, 2 दिन आप कवर करके रख दीजिए, परफेक्ट हो जाएगा खाने के लिए और ये ख़राब भी नहीं होगा। इसमें हमने तेल मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाले, टेस्टी बहुत बनेगी। जब ये फुल तैयार होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। आपने देखा ना मिर्च का अचार बनाना कितना आसान है, बस आज ही बना डालिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। जब भी खाने की थाली में थोड़ा सा मिर्च का अचार होगा स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तेल तो बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, टेस्टी भी है। एक बात का बस ख्याल रखें, जो जार है वो आपका सूखा होना चाहिए और जिसमें आप निकाल रहे हैं जब चम्मच से, तो चम्मच कभी भी गीला उसके अंदर यूज़ ना करें। चम्मच कई लोग अंदर डाल के रख देते हैं, वो भी गलती कभी ना करें। बस इस तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे अपना कॉमेंट
जरूर बताइए आपको इन दोनों में से कौन सी अचार ज़्यादा अच्छी लगी।